एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो ये है नाइट क्वीन का फ्रंट व्यू और आप सब देख सकते हैं नाइट में व्यू कितना अच्छा लग रहा है। नाइट क्वीन रिजॉर्ट का नाम है और नाइट क्वीन की तरह ही वो चमक रहा है। तो यहाँ पे दरवाज़ा लगी थी, दरवाज़ा लगने के बाद हम सब जा रहे थे अपने रूम में और लड़का लड़की का अलग अलग था, सामने लड़के लोग थे। उसके बाद अब जयमाला का टाइम हो गया था तो यहाँ पे देखिए हमारी सिस्टर आ रही है जयमाला के लिए। और यहाँ पे देखिए उसकी चुन्नी पे मनीष की संध्या, कितना अच्छा मतलब उसका चुन्नी है और सामने है मनीष जी। तो यहाँ पे देखिए कैसे धीरे धीरे दुल्हन आ रही है, उसके बाद एक दूसरे को मतलब देखते हैं, फिर सामने खड़े होते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए डेकोरेशन कितना अच्छा किया हुआ है और देखिए कैमरामैन बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो आप सब देखिए और इंजॉय कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको हमारी आज की ब्लॉग कैसी लगी। मिसू का तबीयत ठीक नहीं था और मेरा भी फीवर था तो हम सो गए थे। जब उठे तो देखिए कि यहाँ पे पंडित जी दोनों लड़का लड़की को सात वचन सुना रहे हैं और शादी का पूरा रस्म भी समाप्त हो चुका है। सॉरी फ्रेंड, मैं शूट नहीं कर पाई जो भी रस्म हुआ,
और जब मैं उठी तो मैं अफसोस कर रही थी कि मैं पूरा शादी भी नहीं देख पाई। तो यहाँ पे लड़का लड़की को सात वचन पंडित जी बता रहे थे, उसके बाद सिंदूरदान हुआ और शादी समाप्त हुआ। शादी समाप्त के बाद अब विदाई का टाइम आ गया, तो सुबह के बज चुके थे सात। तो यहाँ पे देखिए लड़की का विदाई हो रहा है और ये थोड़ा सा शूटिंग करना था तो ये शूट हो रहा है। उसके बाद जो एक बार और रस्म होता है कि लड़की फिर लौट के आएगी, थोड़ा सा जो एक बार ऐसे हो जाता है ताकि आने जाने का जो है वो ठीक रहे। उसके बाद फ्रेंड मैं छोटा सा ही क्लिप शूट कर पाई और यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं जो यादगार के रूप में है हमारे, और ये हमारे चैनल पे रहेंगे। जब भी मन करेगा तब ये मैं वीडियो को ज़रूर देखूंगी और आप सबसे मैं छोटी छोटी जो भी हमारे साथ जीवन में शामिल होती है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि ये छोटा सा ही क्लिप आप सबको कैसा लगा। और ये हमारे भाई हैं, भतीजे हैं, और यहाँ पे देखिए ये हमारे भाई हैं और एक मेरे दीदी का लड़का है और मौसी के लड़के थे, और ये दूल्हा दुल्हन का पिक है। तो आई होप आप सबको आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज।